नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। उत्तराखंड में इन दिनों एक अनोखी सियासत शुरू हो गई है जिसको टेलीफोनिक पॉलिटिक्स कही जा रही है, जो मौजूदा सीएम पुष्कर सिंह धामी और एक्स सीएम हरीश रावत के बीच शुरू हुई है। लेकिन आखिर ये टेलीफोनिक पॉलिटिक्स है क्या, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में इन दिनों अनोखी सियासत शुरू हो गई है। देवभूमि में टेलीफोनिक पॉलिटिक्स हो रही है। खास बात यह है कि ये सियासत उत्तराखंड के मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बीच शुरू हुई है। वहीं टेलीफोन की एंट्री से पहाड़ों में राजनीतिक पारा बढ़ने लगा है। आइए आपको बताते हैं ये नई फोन पॉलिटिक्स आखिर है क्या। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आगामी 6 अगस्त को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आवास पर उपवास पर बैठने वाले हैं। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि ये आंदोलन कई दिनों तक चल सकता है। बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव में हो रही देरी को हरदा ने लोकतंत्र की हत्या की साजिश बताया है और इसी को लेकर उपवास पर बैठने वाले हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के उपवास पर बैठने के सवाल पर सीएम धामी ने कई सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हरीश रावत जी वरिष्ठ नेता है, उन्हें धरने पर बैठने की क्या जरूरत है, वो मुझे फोन से कह देंगे, वो मुझे फोन करते ही रहते हैं। मुख्यमंत्री धामी इशारों ही इशारों में पूर्व मुख्यमंत्री पर हरीश रावत पर ये तंज कसा। सीएम धामी ने उन्हें कहा हरीश रावत का फोन नहीं आया। दरअसल हरदा ने एक पोस्ट पर उपवास की घोषणा की थी। सीएम आवास के बाहर उपवास करने की घोषणा करते हुए हरीश रावत ने कहा कि भाजपा सरकार नहीं चाहती कि चुनाव में अच्छे नेता जीते, इसलिए उत्तराखंड की बीजेपी सरकार पंचायत चुनाव को टालकर लोकतंत्र की जड़ों को कमजोर कर रही है। हरदा ने ये भी कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री धामी से बात नहीं हो पा रही है, इसीलिए वो आगामी 6 अगस्त को मुख्यमंत्री के देहरादून स्थित सीएम आवास पर उपवास करेंगे। इस मामले में हरदा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी एक पोस्ट लिखा है। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनको बुला करके प्रताड़ित किया गया, नाचा गया, कहा गया है कि फलां के साथ दिखाई दोगे तो और ये जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न होता है, जिस तरीके से परिसीमन आदि के माध्यमों से और आरक्षण के टूल का इस्तेमाल कुछ समूह विशेष के लोगों को और दूसरे लोगों को चुनाव न लड़ने दिया जाए उसके लिए किया जा रहा है, और हरिद्वार के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों की लीडरशिप को जिसमें सभी वर्ग हैं, एससी भी हैं, ओबीसी भी हैं, सामान्य वर्ग भी है, महिला वर्ग भी है, ताकि उनका नेतृत्व जहाँ भी सक्षम नेतृत्व है इन लोगों का, उन सीटों को बदल दिया जा रहा है किसी न किसी तरीके से, कहीं कुछ आरक्षण करके, ताकि वो लोग चुनाव लड़ पाए। तो ये एक बहुत खतरनाक काम हो रहा है। मुख्यमंत्री के संज्ञान में उसको लाना चाहता था, लेकिन मैंने कोशिश की, मैं बात करना चाहता था मुख्यमंत्री की, बहुत विनम्र आदमी थी, उन तक लाना चाहता था, लेकिन बात नहीं हो पाई। वहीं इस पूरे मामले में उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण महारा ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि हार के डर से हरिद्वार में पंचायत चुनाव टाला जा रहा है, यदि ऐसा नहीं होता तो कैबिनेट बैठक में इस बारे में फैसला लिया जाना चाहिए था। महारा ने अधिकारी मिलीभगत से पंचायत चुनाव की परिसीमन और सीटों के आरक्षण में गड़बड़ी कर रखा है। बहरहाल अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर इस मामले में सीएम धामी की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जाते हैं। क्या सीएम धामी हरदा को आश्वासन देकर उनको उपवास पर बैठने से रोक पाते हैं या नहीं, ये तो अब आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।